सवाल ये है कि अगर इस बीमारी से किसी को बचना हो तो फिर क्या जीवन शैली में कौन कौन से बदलाव करने की जरूरत है? अच्छा, हर्निया से बचना हो तो जीवन शैली में बदलाव, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज के डेट में जो हमारे तरफ एक पैंडेमिक है, ओबेसिटी, मोटापा। अगर आपको मोटापा है तो आप हर्निया के लिए प्रीडिस्पोज्ड हो जाते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस में बच्चों को जन्म से होती है, उनकी हम बातें नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मोटापा है और आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, मतलब आप चलते फिरते कम है, बैठे हैं, आपका काम बैठने वाला है, वजन ज्यादा है, ऐसे लोग हर्निया के लिए ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, इनको चांसेस ऑफ हर्निया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो दो तीन चीजें जो सलाह दूंगा कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, वॉक करें, टहलें, डाइट में अपने थोड़ा फैट इनटेक कम रखें, फैट इनटेक कम रहेगा, वजन कम रहेगा, तो आपको हर्निया के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। लेकिन ये चीजें हैं जो कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, डेफिनेटिव नहीं कह सकते हैं कि आप ये करेंगे तो आपको हर्निया नहीं होगा और आपको ये नहीं करेंगे तो हर्निया हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीजें हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी हैं जो आपके ओवरऑल अबडोमिनल मसल के टोन को बेटर रखेंगे। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो चीजें आपके शरीर को ठीक रखेंगे, इससे आपको हर्निया के चांसेस कम रहेंगे।